Hello everyone. So as I mentioned you that we are going to start the PYQ series with regard to UGC NET Sociology syllabus. So UGC NET Sociology के syllabus में हर unit के जो भी questions आपसे पूछे जा चुके हैं that is the PYQ, we are going to cover that and इस copy pen format में ही हम सारे questions को cover करेंगे. Now the question is that मतलब जो question आप लोगों के mind में आ सकता है कि क्या ये जरूरी है कि जो question आ चुका है वही same question दोबारा आ जाए. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं. बट द थिंग इज कि उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. अभी आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो प्लस उससे रिलेटेड पैटर्न और भी क्या क्या चीजें और भी क्या क्या टॉपिक विद रिगार्ड टू दैट चैप्टर बन सकते हैं. मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो भी आपको इस सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ और इस पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू ही आपकी काफी ज्यादा रिविजन में कराने की कोशिश करूंगी और मैक्सिमम टॉपिक टच करने की कोशिश करूंगी. कुछ चार पांच वीडियोज आप देखेंगे एंड देन आप मुझे उसके बाद बताएंगे कि आपको इस चीज का कितना बेनिफिट हो रहा है, ये आपकी नॉलेज में कितने पॉइंट एड ऑन कर रही है और कितने एक्स्ट्रा टॉपिक आप कवर कर पा रहे हैं. इट इज नॉट जस्ट लाइक द रेंडम पीवाईक्यू सीरीज जिसमें क्वेश्चन चार ऑप्शन और सीधा आंसर बता दिया और आगे स्किप कर गए. नो, क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ मैं उससे अदर रिलेटेड चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं करा है, कोई सैंपल क्वेश्चन ऐड नहीं किया है. 2019, 2018, 2017 जिसमें जो भी इस यूनिट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं दैट इज देयर, वो हम इस सीरीज में कवर करेंगे. The thing is, in which state was the APICO movement launched? अब unit 7 is with regard to environment and society. So environment related बहुत सारे movement यहाँ पे इस chapter में आप लोगों को पढ़ने होते हैं. तो यहाँ पे APICO movement जो है वो कौन से states related है, ये question था. चार state के नाम थे, इसका clear cut answer मैंने बता दिया है, कर्नाटका. APICO is related with कर्नाटका. Now बाकी भी आप देखेंगे, चिपको movement relate करता है किससे, उत्तराखंड से. चिपको उत्तराखंड से. गौरा देवी सुंदरलाल भगोना was the personality associated with this movement. सेफ साइलेंट वैली कहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, केरला में. जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो बिहार का था. नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा रिवर पे. डैम बन रहा था सरदार सरोवर डैम विद रिगार्ड टू डेट था. और ये स्टेट तो एमपी महाराष्ट्र एंड गुजरात है. बट यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरदार सरोवर डैम है वो कौन सी रिवर पे है, या नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है वो किस डैम के रिगार्डिंग था. तो डैम का नाम याद होना जरूरी है, दैट इज सरदार सरोवर डैम. देन तेहरी डैम जो है दैट इज इन उत्तराखंड. क्लियर क्वेश्चन सिर्फ ये था, लेकिन इससे रिलेटेड देखिए हमने और कितने फैक्ट कवर कर लिए. तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे सुन के पढ़ के याद हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्ट एंड पॉलिसी को लेके ये क्वेश्चन मैचिंग था. इस साइड एक्ट लिखे थे, इस साइड ईयर थे और आपको मैच करने थे. मैंने उस वे में क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के एक्ट के आगे सीधा ईयर लिख दिया है. जो भी एक्ट है एनवायरमेंट रिलेटेड मैंने उसके आगे सीधा ईयर लिख दिया. ईयर मतलब वो एक्ट किस ईयर में इन्फोर्समेंट में आया, पब्लिक के बीच में आया, इन्फोर्समेंट या इनएक्टमेंट में आया. तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट के ईयर्स भी याद रखने. देखिए यहाँ पे तो जो क्वेश्चन में आए थे वो हैं, इसके अलावा मैंने अदर्स में काफी सारे एक्ट भी लिख दिए हैं जो आपको याद होने जरूरी हैं. अब एक बार ये आ चुके हैं, मतलब एक दो बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बार आए हैं. तो अब इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है. तो जो एग्जाम में था दैट वाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका ईयर है 1986. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर 1972. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल का ईयर, जो ये रूल्स आए थे ये 2016 में आए थे. देन फर्दर अगर हम देखें तो वाटर एक्ट मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, याद रख लेना वाटर वाला पहले था, एयर बाद में 74 एंड 81. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का रेगुलेशन एंड कंट्रोल के रिगार्डिंग जो रूल आए थे 2000 में. देन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया है 2001 में. शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट इज इन 2006. एंड एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है ये 2010 में आया था. इसके अलावा यहाँ पे एक और हम एक्ट देख लेते हैं, दैट इज कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. क्लियर क्वेश्चन था चार एक्ट के रिगार्डिंग मैचिंग, लेकिन हम सिर्फ चार एक्ट तक स्टिक नहीं रहे, हमने और भी एक्ट कवर कर लिए. आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इस सीरीज के साथ किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं. मैं सिर्फ एक नहीं मल्टीपल एस्पेक्ट पे आई विल ट्राई कि इस तरीके से मैं कंटेंट देके आपको चीजें कवर करा सकूं. एंड इफ यू वॉन्ट पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक, यू वॉन्ट कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. जितने मैक्सिमम कमेंट, जितना स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, उतना ही कमेंट मतलब पीडीएफ मैं कंटेंट और रेगुलर बेसिस पे और ज्यादा से ज्यादा वे में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी. और इसी तरीके से हम आपके अभी जून एग्जाम से पहले 10 के 10 यूनिट के सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर्म में, मतलब पीवाईक्यू के जो भी एमसीक्यू रहे होंगे वो सारे हम आपके कवर कर लेंगे. क्लियर. हु इज द ऑथर ऑफ द मोनोग्राफ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड,
कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है. बुक का मोनोग्राफ का ये ऑथर पूछे गए हैं इसमें, मैं और अदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगी. दैट इज डोनाल्ड ह्यूज. क्लियर? एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का ऑथर यहाँ पे पूछा गया है, डोनाल्ड ह्यूज इज द आंसर. अब क्वेश्चन था पीवाईक्यू में, थीम पूछी गई थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की. 2018 की थीम पूछी थी क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में आया था. तो क्या मुझे वो क्वेश्चन की वो चारों थीम याद करनी है? बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन का पैटर्न मुझे पता चल गया कि एनवायरमेंट डे की थीम बिल्कुल एग्जाम में आ रही है. तो अभी ये साल है 2024 और पिछला साल था 2023. तो आप इन दोनों की देख जाओ. कई बार हो सकता है 24 में 5 जून को आपका एनवायरमेंट डे आता है, होप यू गाइज नो दैट. तो आप उससे पहले लास्ट ईयर का भी आपसे पूछ सकता है, राइट? एग्जाम 18 जून को अभी हमारा है जो शेड्यूल है. पॉसिबिलिटी है 24 का ना देखे, 23 का भी पूछ ले. तो दोनों हम देख के चलते हैं. 23 के एनवायरमेंट डे की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड 2024 का एनवायरमेंट डे का थीम जो है दैट वाज लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रफ्ट रेजिलेंस. डन. ये 2023 और 24 का थीम है जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंटम फॉर चेंज. क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च बाय. ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इफ यू गाइज वॉन्ट तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अदर देन दैट भी जो स्टैटिक जीके के कंसेप्ट है, कुछ यूनिट आपकी 6, 7, 8 में कुछ स्टैटिक कंसेप्ट भी है, राइट? जो डायरेक्ट सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट करंट अफेयर स्टैटिक जीके का पार्ट है. इफ यू वॉन्ट देन वी कैन कवर दैट ऑल्सो. वो भी मैं अलग से आपकी एक सीरीज के फॉर्म में कवर कर सकती हूँ. सो इफ यू वॉन्ट दैट देन डू लेट मी नो, वील कवर दैट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म कल्चरल इकोलॉजी. सीधा यही क्वेश्चन है. पहले तो कल्चरल इकोलॉजी से आपको पता होना चाहिए, जे स्टुअर्ट. अब उन्होंने बहुत पूछा, इन हिज फेमस बुक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन. तो ये चीज आपको पता चल गई कि कल्चरल इकोलॉजी का कंसेप्ट जे एच स्टीवर्ट ने दिया था, एंड इनकी जो फेमस बुक थी दैट वाज थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन. क्लियर? तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए. क्लियर? अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. When was the term social forestry used for the first time in India? India में टर्म पहली बार कब यूज हुई? तो इंडिया में टर्म ईयर थे, ये क्वेश्चन था. तो ईयर्स थे आपके, आंसर हो गया 1976. तो 1976 में ये टर्म पहली बार यूज हुआ. किसने किया था? बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने. ये क्यों था? ये था कि फॉरेस्ट पे जो प्रेशर है ना, हमें वो यूज कम करना है, और हमें जो ऐसी लैंड है जो अनयूज है या फेलो लैंड है उनपे ट्री का प्लांटेशन करना है. द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोशल फॉरेस्ट्री इन 1976 इन इंडिया वॉज दिस. नेक्स्ट पूछा गया था, एनजीओ भारत संघ वॉज फाउंडेड बाय. भारत संघ नाम का एक एनजीओ है, ऑब्वियसली एनवायरमेंट रिलेटेड एनजीओ इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किए गए होंगे. तो यहाँ पे आपका ये एनजीओ के फाउंडर कौन है? राजेंद्र सिंह. ये पी वाई क्यू है, अपनी तरफ से मैंने नहीं लिया है ये क्वेश्चन. तो कुछ अदर और एनजीओ के नाम भी देख लेते हैं. यहाँ पे एक है चिंतन. चिंतन के अगर हम फाउंडर की बात करें, चिंतन के फाउंडर भारती चतुर्वेदी. संकल्प तरु फाउंडेशन जो है इसका इंडिया, ये फर्स्ट आईटी इनेबल्ड एनजीओ है. पहला आईटी इनेबल्ड एनजीओ है संकल्प तरु. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर है वो कौन है? मिस्टर विवेक मेनन. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके फाउंडर कौन है? विवेक मेनन. ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What term is best suited to describe an ideology based upon rethinking and reassertion of the classical liberalism? Liberalism का जो concept होता है, ये जो classical liberalism होता है ना, इसका मतलब होता है laissez-faire, free economy, market economy, जहाँ पे private people have the control, there is no government interference, वो laissez-faire liberalism होता है. लेकिन जब आप थोड़ा सा rethink करते हो, reassert करते हो classic liberalism के concept को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? There was four option, तो that is functionalism, neo-functionalism, तो उसको हम बोलते हैं welfareism. Welfareism मतलब welfare of the individual is at the top. टॉप मोस्ट प्रायरिटी क्या है? इंडिविजुअल का वेलफेयर है. वी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दिस इज द थिंग. देन नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पीपल पर्सन जो है, ये कब आई थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है, नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर द डिस्प्लेस पर्सन, ये आई थी 2004 में. क्लियर? फैक्चुअल क्वेश्चन है. अब ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑथर्स और बुक के नाम है. इसमें बहुत ज्यादा समझने को कुछ नहीं है, 2-3-4 बार पढ़नी पड़ेंगी तभी चीजें याद रहती है. और इनमें से आपकी जो ये बुक है ये रिपीट भी हुई है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है. दैट आई विल मेंशन यू फर्दर. ए बेटसन ऑथर है, इनकी बुक है स्टेप्स टू इकोलॉजी. सीक्रेट इकोलॉजी है आपकी बुक एफ बेरकॉस की. एसेंट ऑफ मैन जो है दैट इज ऑफ
जे बियोनोस्की, नेचर्स इकोनॉमी, डी वॉस्टर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम, मतलब दो तीन बार पढ़ लो, थोड़ा सा एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो माइंड में चीजें रिकलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दोनों डे पूछे थे, अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आते हैं, ये भी पीवाईक्यू है, देख लीजिए डे से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आगे भी आ सकते हैं एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन। तो याद रख लो, ये तो नॉर्मल जो दो पूछे गए थे, उसके अलावा मैंने अदर डेज भी मेंशन कर दिए हैं। अर्थ डे आता है आपका 22 अप्रैल को, एनवायरमेंट डे आता है 5 जून को, अभी पीछे मैंने इसकी थीम भी आपको बता दी है 2023 और 24 की, ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, वाइल्ड लाइफ वीक जो आता है वो 1st to 7th of October आता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, आपको ये देखिए क्वेश्चन क्या है, assertion reason, ऑप्शन सेम होते हैं इसके, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये ऑप्शन होते हैं। आई होप आप इतना प्रिपेयर कर चुके हैं कि आप लोगों को ऑप्शन पता है, तो हम मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, सीधा सीधा मैं आपसे बात करूंगी और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। असर्शन के बाद आपको बिकॉज लगा देना है, सो दैट यू विल बी एबल टू सी क्या ये स्टेटमेंट का ये जो रीजन है ये करेक्ट रीजन है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब हैज रिजल्ट इन मेनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पंजाब में काफी ज्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स भी थे, तो बात तो ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर मोर प्रोडक्शन, क्योंकि आपने लैंड और अंडरग्राउंड वाटर को क्या करा था, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया था, ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया था, तो एक टाइम पे वो खत्म होने लगा। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो टेम्परेचर 52, 53, 55, राजस्थान साइड में 56 टेम्परेचर गया, क्यों? बिकॉज वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, तो फिर रिसोर्सेज भी तो रिवर्ट बैक करेंगे ना। तो बिल्कुल ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे आपने ये काम किया था और पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का यूज हुआ था, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? सो छोटी छोटी वीडियोस ही हम रखते हैं, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, होप आपको समझ में आया होगा और आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है इस तरीके से करने में सीधा आंसर ना जान के। देखिए थोड़ी मेहनत मुझे भी लगेगी क्योंकि मैं इससे रिलेटेड अदर फैक्ट भी कलेक्ट करके रखूंगी, सिर्फ सीधा आंसर कराना हो तो वो तो डायरेक्टली मैं आपको बता सकती हूँ और हम 50-60 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं 20 मिनट में हम लोग 20-30 क्वेश्चन भी, सीधा क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। बट द थिंग इज हर बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, जब एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड टर्म्स भी हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी हमारी ज्यादा बेटर हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर यूनिट में तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है भी नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो वी विल कवर दैट। डेज देखे हमने एनवायरमेंट एक्ट देखा, थीम्स देखी, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स देखे और अभी आगे भी हम इसके फर्दर पार्ट में इस पर्टिकुलर यूनिट के एमसीक्यू जो है वो कवर करेंगे और इसी तरीके से आई विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू ऑफ द अदर यूनिट ऑल्सो। सो डू लेट मी नो वेदर यू लाइक दिस सीरीज और नॉट एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस, यू वांट मी टू कवर दिस, यू वांट मी टू कवर ऑल द यूनिट लाइक दिस, यू वांट मी टू कवर द अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो लाइक दिस, तो आप मुझे बता सकते हैं, वी विल कवर दैट एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज। इसके नोट्स, ये जो हैंड रिटन नोट्स है मेरी तरफ से, ये मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 7 एनवायरमेंट एंड सोसाइटी पीवाईक्यूज विद रिगार्ड टू यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। थैंक यू एवरीवन।